आज बनाएंगे छोले की सब्जी। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छी बनती है और एकदम होटल स्टाइल में हम इसको बनाने वाले हैं, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर छोले ले लेने हैं। मैंने यहाँ पर आधा कप छोले लिए हैं, यानी कि काबुली चने, और इसको जो है एक बाउल में डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है थोड़ा सा पानी डाल के पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। मैंने इसको पहले कपड़े से साफ़ भी किया है एक बार, और इसको जो है अच्छे से हल्के हाथों से वॉश कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, देखिए मैंने छोले को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं, जिससे कि अच्छे से ये भीग जाए और फूल सके। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालें, एकदम कम नहीं डालें। अब इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग सोडा। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच बेकिंग सोडा ले लिया है फ्रेंड्स। बेकिंग सोडा डालने से छोले जो हैं अच्छे से फूलेंगे और काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे, खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए एक बार, और इसको इस तरीके से ओवरनाइट के लिए भिगोकर छोड़ दीजिए। अब दूसरे दिन हम आगे की तैयारी करेंगे, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो फ्रेंड्स दूसरे दिन मैं यहाँ पर सुबह में इस सब्जी को बना रही हूँ। तो अभी यहाँ पर एक प्लेट रखी है मैंने, उसके ऊपर मैंने एक सूती कपड़ा रख दिया है, और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी चाय पत्ती। चाय पत्ती एकदम अधिक नहीं डालें, इस बात का ध्यान रखिए। आपके पास टी बैग है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको लपेट लीजिए। कपड़ा थोड़ा पतला ही होना चाहिए, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा बाहर आए और इसका कलर जो है छोले वाला काफ़ी अच्छा आता है। तो इस तरीके से आप इसकी नॉट लगा लीजिए, और थोड़ा टाइट ही लगाइएगा ताकि वो जो है खुले नहीं बाद में। और इस तरीके से हमें जो है चाय पत्ती की नॉट लगा लेनी है। सो गाइज़ आप देख सकती है, देखिए इसको मैंने कपड़े में यानी कि एक पोटली बनाकर तैयार कर लिया है, और छोले जो हैं दूसरे दिन अच्छे से फूलकर तैयार हो गए हैं। तो छोले का जो पानी है वो हमें निकाल देना है पहले तो, और इसको जो है एक बार और मतलब पानी से हल्के हाथों से आप इसको धो लीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर एक कुकर ले लेते हैं, और ये जो चने हैं मैंने उसको एक बार धो लिया था। और इस तरीके से अगर आप बेकिंग सोडा रात को नहीं डालते हैं उसके अंदर या डालना भूल जाते हैं, तो आप इस तरीके से कुकर के अंदर भी आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, और इसके अंदर आप पानी डाल दीजिए, जिससे कि चने जो है काफ़ी अच्छे से मतलब पक सके। तो मैंने यहाँ पर 2 कप जितना पानी इसके अंदर ऐड कर लिया है, और साथ में इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक हमें बाद में भी डालना है, इसीलिए आप अपने हिसाब से ही डालिएगा थोड़ा सा। और जो पोटली है वो इसके अंदर हमें डाल देनी है चाय पत्ती वाली, और उसके बाद आप इसका ढक्कन लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, देखिए मैंने इसको ढक्कन लगा लिया और गैस पर चढ़ा दिया है। गैस को मीडियम रखें, पहले थोड़ी देर के लिए हाई कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको मीडियम कर दीजिए और उसकी सीटी आने दीजिए। तब तक आगे की तैयारी करेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़े से प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर ले ली है, और सबको थोड़ा बड़ा बड़ा काट लिया है, क्योंकि हमें इसको ग्राइंड करना है। आप मिक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास चॉपर है तो इसके अंदर अच्छे से ग्राइंड होता है, तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। तो इसके अंदर हम लहसुन डाल देते हैं पहले तो। मैंने थोड़े लहसुन ज़्यादा क्वांटिटी में लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। उसके बाद हरी मिर्ची, और साथ में जो हमने प्याज लिया था, एक बड़ी साइज़ का प्याज लिया था मैंने यहाँ पर, और इसको भी इसके अंदर डालकर अच्छे से ग्राइंड करना है। थोड़ा सा इसके अंदर हम नमक डाल देते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि ग्राइंड करने में आसानी होगी, और जो प्याज होता है कभी कभी ढक्कन खोलने के बाद आँखों पर लगता है तो वो भी नहीं होगा। तो इस तरीके से मिर्ची भी जो है नमक हल्का सा डाल देते हैं तो वो उड़ती नहीं है बाद में। तो इस तरीके से आप इसको जो है ढक्कन लगा लीजिए और अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। इसके अंदर पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालें, अगर आपको लगे कि पानी डालना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन पानी डालने से प्याज का जो टेस्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, इसीलिए मैं पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी। एकदम इसको बारीक कर लिया है, तो इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। तब तक आप देख सकते हैं, देखिए सीटियाँ भी इधर आने लगी हैं कुकर की, और इस तरीके से आप अच्छे से इसकी 4 से 5 सीटियाँ आने दीजिए, क्योंकि हमने रात भर बेकिंग सोडा डाल के रखा था, तो आप 4 सीटियाँ ओके आने दीजिए। इसी तरीके से मैंने जो टमाटर हैं उसको भी अच्छे से प्यूरी बनाकर तैयार कर ली है, और जो सीटियाँ हैं अच्छे से आ चुकी है, और इसका प्रेशर भी ख़त्म हो चुका है कुकर का। तो उसके बाद इसको खोल लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, देखिए छोले का कलर कैसा हो गया है, काफ़ी अच्छा हो गया है, और इसकी जो पोटली है वो हमें निकाल देनी है उसके बाद, और इसको निकाल कर आप साइड में रख दीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, देखिए इसको मतलब साइड में ही रख दीजिए, ठंडा होने दीजिए, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक हैवी बॉटम वाली कढ़ाई आप ले लीजिए, इसके अंदर आप तेल डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच जितना,
और इसको गर्म होने दीजिए। जब ये तेल गर्म हो जाए उसके बाद इसके अंदर जीरा डाल देते हैं एक छोटी चम्मच, और आधी चम्मच से थोड़ा सा कम इसके अंदर हींग पाउडर डाल देते हैं। हींग ज़रूर डालिए, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे प्याज और हरी मिर्ची, लहसुन वाला जो पेस्ट हमने बना कर रखा था वो इसके अंदर हम डाल देते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कीजिए और गैस को यहाँ पर थोड़ा सा हाई से कम रखिए, और इस तरीके से अच्छे से इसको चलाते रहिए। सो गाइस, आप देख सकते हैं, देखिए प्याज के अंदर जब इसके अंदर खुशबू आने लग जाए और इसका हल्का कलर चेंज हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं और अच्छे से इसको चलाते रहते हैं। टमाटर जो है पकने के बाद इसकी जो प्यूरी हम डालते हैं, प्यूरी को अच्छे से पकाना होता है क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो जब हम अच्छे से इसको पकाते हैं तभी मतलब जो है अच्छा आता है। तो एकदम हाई नहीं रखिए, गैस को थोड़ा सा हाई से थोड़ा सा कम रखिए और अच्छे से इसको पकने दीजिए। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तीखा अपने अनुसार ही रखिएगा। साथ में थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो धनिया पाउडर है वो डाल देना है और गरम मसाला डाल देना है। अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसको लगातार आप चलाते रहिए और उसके बाद गैस को मीडियम कर दीजिए और इसके ऊपर आप ढक्कन लगा दीजिए। 2 मिनट के लिए हमें इसको जो है अच्छे से पकाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से अच्छे से हमें इसको पका लेना है। ध्यान रखिए जले नहीं, इस बात का आप ध्यान रखिए। बीच बीच में आपको लगे कि ये जलने वाला है तो आप इसको चलाते रहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, देखिए थोड़ी देर इसको और छोड़ दीजिए और तेल छूटने लग जाए। जब ये साइड साइड से ये तेल छोड़ने लग गया है ग्रेवी जो है हमारी, और उसके बाद इसके अंदर हम छोले डाल देते हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। छोले काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। लगभग आपको छोले की अगर रात को अगर आप बेकिंग सोडा डालते हैं तो आपको 4 सीटियाँ लेनी है, और अगर आप नहीं डालते हैं तो आपको 6 सीटियाँ लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अब इसको आपको जैसी भी ग्रेवी चाहिए, थोड़ी गाढ़ी या पतली, तो उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर 1 ग्लास जितना पानी डाल दिया है और इसको ढककर अच्छे से बॉयल आने देते हैं इसके अंदर और इसको उबलने देते हैं। तो जब तक उबाल नहीं आता तब तक इसको आप ढककर ही रखिए। उसके बाद आप देख सकते हैं, देखिए गाइस इसके अंदर अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुका है, और उसके बाद आप इसको मतलब जो गैस है थोड़ा सा हाई कर दीजिए और उसके बाद 2 मिनट के लिए ऐसे ही उबलने दीजिए। अगर आपको थोड़ा पतला चाहिए तो आप उसको थोड़ा सा और मतलब इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। और अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। नमक पहले भी डाला हुआ छोले के अंदर, इसलिए ध्यान रखिएगा। साथ में मैंने इसके अंदर छोले मसाला डाल दिया है 1 चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। सो गाइस, आप देख सकते हैं, देखिए सब्जी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। मैंने इसको थोड़ा सा और पकाया था 1 मिनट के लिए और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए, और इस तरीके से ये देखिए सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अभी आप इसको भटूरे के साथ खाना पसंद करते हैं या किसके साथ खाना पसंद करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और हमारे छोले की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको पूरी, पराठे, नान और जिसके भी साथ आप इसको पसंद करते हैं उसके साथ आप इसको खा सकते हैं। चावल के साथ खा सकते हैं और भटूरे के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारी बहुत ही स्वादिष्ट और अमेजिंग सी छोले की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए दोस्तों आपको बहुत ही पसंद आएगी। सो गाइस, हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसको एक बार बनाइए, खाइए और साथ में उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।